छोड़ा है जहान। हाय गाइस, और ये हम पहुंच चुके हैं राम सेतु पे, और रमेश राम का राम सेतु भाई है। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये किला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक ओ, 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 सब ने क्या कहूं, किस तरह से मैं छोड़े छोड़े। ओके, सो मैं अभी आ चुका हूं धनुषकोडी, जो कि रामेश्वरम का एक बहुत पुराना गांव है जो ब्रिटिश पीरियड में चला करता था। बेसिकली ये रेलवे स्टेशन है जो सुनामी की वजह से बहुत ज़्यादा टूट फूट गया था। लास्ट पॉइंट पे जो कि है धनुषकोडी, यहाँ से श्रीलंका ओनली 30 किलोमीटर दूर से ज़्यादा दूर नहीं है, और यहाँ की आप भीड़ देख सकते हैं। मैं अपनी देर से बता रहा था, एक साइड राम सेतु है और एक साइड इंडियन ओशन है, तो ये कोई पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों ओशन आके मिल जाते हैं, राम सेतु एंड इंडियन ओशन यहाँ पे आके मिल जाते हैं, ये कोई पॉइंट है। रंग बिरंगे वहमों में मैं उड़ता फिरूं, रंग बिरंगे वहमों में मैं उड़ता। एंड दिस इज द इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन। सो राइट नाउ आई एम एट पम्बन ब्रिज, और मैं क्या रूम पे बोर हो रहा था तो मैं सोचा कहीं घूमाते हैं, तो फिर ऐसे ही IRCTC का खोला, और ये मेरी एक बस IRCTC खोली मैंने और चेक किया मैंने कि पम्बन ब्रिज घूमाते हैं, वहाँ पे आसपास में कोई एक जगह थी वो मैंने सोचा देखाते हैं। तो मैंने सर्च किया IRCTC पे कोई ट्रेन, तो एक ट्रेन थी वो पम्बन ब्रिज आ रही थी, तो मैं उस ट्रेन में चढ़ गया विदाउट एनी टिकट्स और आ गया इधर पम्बन ब्रिज के ऊपर। राइट नाउ मैं पम्बन ब्रिज के ऊपर, अभी मैं बस ज़्यादा दूर नहीं गया हूँ, इनिशियली स्टार्ट ही किया है मैंने पम्बन ब्रिज के ऊपर। तो प्लान कुछ ऐसा था कि यहाँ कोई एक जगह है वो घूमनी थी, बट यहाँ पहुँचा मैं जब तक मेरे को ऐसा फील हुआ कि अब अंधेरा हो जाएगा तो अब वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मैं गया पम्बन ब्रिज के ऊपर ही आ गया थोड़ा सा टाइम पास करने, और इट्स
लाइक इट इज 6:10 राइट नाउ। तो बस अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, अंधेरा हो गया, वापस रामेश्वरम जा रहा हूँ और रामेश्वरम जाके देखते हैं वहाँ क्या है करने को, क्या है खाने पीने को। गाइज हाय गाइज, सो हाय, दिस इज माय सेकंड डे एट रामेश्वरम एंड आई एम एट दिस ग्रेट अग्नि तीर्थम। सो इसके बाद जो मंदिर है रामेश्वरम का, सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ जाएंगे हम लोग। यहाँ अभी स्नान लिया है, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पहले नहा के फिर आपको मंदिर जाना होता है। तो अभी जस्ट यहाँ से लेके आया हूँ और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी हो रही है, ह्यूमिडिटी तो है ही, यहाँ काफ़ी भीड़ आई हुई है, देख सकते हैं। वीकेंड है, सैटरडे है, सो इस चक्कर में और ज़्यादा भीड़ है। सो दैट इज इट, बस अब यहाँ से रेडी होके मंदिर की ओर बढ़ते हैं, वहाँ देखते हैं आगे क्या है। कभी डाल डाल कभी मात मात, कभी दिन है रात कभी दिन दिन है, क्या सच जमाया है इधर उधर तितर बितर, क्या है पता, हवा ले ही जाए तेरी हो, खींचे तेरी यादें तेरी। सो अभी स्नान हो गया है 22 के 22 कुंडों में। अभी हम इस मंदिर के जो मेन पॉइंट है जहाँ पे शिवलिंग रखी हुई है, जो भारत का 4 में से एक धाम है और एक ज्योतिर्लिंग भी है। तो अभी हम लोग क्या, मैं ही अभी मैं वहाँ जाऊँगा। ओके, सो ये व्यू है, व्यू बड़ा प्यारा है इधर का। एंड ड्रेसिंग कुछ इसी तरीके की कर रखी है मोस्टली लोगों ने, और नीचे लूँगी पहनी है एंड ऊपर ऐसे ही है, तो मेरे पास लूँगी तो नहीं है, तो मैं पैंट पहन के ऐसे घूम रहा हूँ और ये टीका उन लोगों ने ही लगाया है। अच्छा है, और ये हमारी बोट चल पड़ी। पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला, ये भी ना हो किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं, शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक ओ, 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 ओ। मैं यहाँ सनसेट देखने आया था कि यहाँ पे सनसेट अच्छा होगा, यहाँ सनसेट पॉइंट बना रखा है, मैं ये कर रहा हूँ। आई डोंट नो, मैं भीड़ लगी थी, मैं भी लाइन में लग गया और अब मैं बोर्ड में इतने सारे सपने क्या कहूँ, किस तरह से मैं छोड़े साथ चले मुझे लेके उड़े ये क्यों। क्या सच जमाया है।
रामेश्वरम में मेरा दूसरा दिन था एंड ये हो चुका है कंप्लीट। रात को 9 बजे की ट्रेन है यहाँ से एंड काफ़ी कुछ करने को मिला, काफ़ी कुछ देखने को मिला एंड दिस ब्यूटीफुल सी ये भी यहाँ था एंड अलॉन्ग विद डैट ये पेड़ बड़े प्यारे लगते हैं मेरे को, पेड़ बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो ये कोई एक छोटा सा आई डोंट नो व्हाट टू डू, आप लोगों को बना रखा है मैं अभी इसी के टॉप चल रही है। तो फिशरमैन हैं अभी कुछ 5-6 मछलियाँ लेके आए, कह रहे थे अब ज़्यादा मछलियाँ मिलती नहीं हैं, ऐसा कुछ थोड़ी बहुत बात की, हल्की हल्की हिंदी आती थी उनको, इस टाइप से करते रास्ता। एंड आज 9 बजे की ट्रेन है सो देखते हैं कुछ सी फूड ट्रेडिशनल यहाँ का मिल जाए तो अच्छा है, सी फूड ट्राई करते हैं और बस चलते हैं यहाँ से, देखते हैं थोड़ा आगे जाता हूँ कुछ अच्छा मिलता है तो फिर से शूट करते हैं। फिर से चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं।